नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग दो महीने से चल रहा विधानसभा का प्रचार का शोर अब खत्म हो चुका है। सातवें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 51 सीटों के लिए मतदान होना है, जबकि 3 सीटें चकिया, रॉबर्टगंज और दुधी में शाम को 4 बजे तक ही मतदान होगा। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम और सातवें चरण के लिए प्रचार थम चुका है। 7 मार्च को होने वाले मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता करी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय हमने केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई तमाम योजनाओं को प्रदेश में लागू किया। उसके साथ ही सीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमने सभी 75 जिलों में जाने का मौका मिला। इन 75 जिलों की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जो उत्साह नजर आया है उससे ये साफ है कि बीजेपी फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। प्रचार के दौरान प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले दो महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और थिंक टैंक अमित शाह जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। अमित शाह ने यहां पर भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर हमलावर भी नजर आए और जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के नौपेड़वा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सीमा और सेना पर आंख उठाने वालों को दंडित किया। उन्होंने कहा, उनका प्रयास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक करने का है। 70 साल तक इस सपा बसपा कांग्रेस ने सरकार चलाई मगर गरीब के घर में गैस का चूल्हा नहीं आया। एक 5 ही साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,67,00,000 उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में गैस का चूल्हा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो बिजली रानी कभी भी आपके घर में 18 घंटे से 24 घंटे आती थी क्या? अरे यार, जोर से बोलो, आती थी क्या? और जोर से बोलो, आती थी क्या? योगी जी ने गांवों के अंदर 18 घंटे से 22 घंटा 24 घंटा बिजली पहुंचकर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। कड़ी धूप में जय श्री राम और भारत माता की जय। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हर युवक को लैपटॉप और स्मार्टफोन मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माताओं, भाइयों, बहनों, गरीबों के लिए सपा बसपा बात करते थे और मोदी जी ने, योगी जी ने गरीबों को मजबूत करने का काम किया है। अंत में मुझे एक बात बताइए, ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता भाई, कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? इस सपा बसपा कांग्रेस 70 साल से धारा 370 और 35 को गोदी में खिलाकर बच्चे की तरह खिला नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक
सातवें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राष्ट्रीय महासचिव और यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजीपुर में प्रचार किया। इस बीच उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरियों का इंतजार है। आज यूपी में प्रचार हो रहा है तो कोई काम की बात ही नहीं करता। धर्म और जाति की बात करके सभी जनता को उनके अधिकारों की बात भुलाना चाहते हैं। इन नेताओं को सब मालूम हो गया है, ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वोट और सत्ता धर्म और जाति के आधार पर इनको मिलेगी, इसीलिए आपको कभी नौकरियां नहीं देंगे, आपको कभी रोजगार नहीं दिलवाएंगे। क्योंकि जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक निर्भर रहोगे, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, तब तक आपके जज्बात, आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी नाराजगी का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर पाएंगे। तब तक आपको बहकाना बहुत आसान होगा। हर माँ बाप को मालूम है, मेरी बहनें, अगर आपके पास 25-30 साल का बेटा होगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब तक व्यस्त रहता है, शिक्षा में व्यस्त है, रोजगार मिलता है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक सही रहता है। जब बेरोजगार हो जाता है, घर पे बैठा रहता है, निराशा होती है, नाराजगी होती है, तब कोई भी उसको बहका के कुछ भी काम करा सकता है उससे गलत, आप जानती हैं। तो आपकी तरह इस प्रदेश के नेता भी जान गए हैं, वो जान गए हैं कि आपको गरीब रख के, आपको निर्भर रख के अपनी नीतियां को ये सफल बना सकते हैं। और इनकी नीति क्या है समझ लीजिए, गहरी बात कह रही हूं मैं, इनकी नीति यही है कि आपको गरीब रखेंगे। इसी तरह से किसानों को लीजिए, तो इनकी नीति क्या थी, नोटबंदी, ये सब लॉकडाउन, जीएसटी, बड़े बड़े उद्योगपति का फायदा हुआ, छोटे उद्योगपति पिस गए। अब किसानों को लीजिए, किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके लिए कुछ नहीं किया, उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आज आपको यहाँ 1100-1200 रुपए मिलते हैं धान और गेहूं के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2500 दे रही है इसी गेहूं और धान के लिए। आपको गन्ने के लिए 350 रुपए अभी बढ़ाए इन्होंने चुनाव के समय, कांग्रेस की सरकार 400 रुपए देगी। जितनी भी नीतियां किसानों के लिए ये लाए, किसान खड़ा नहीं हो पाया। भदोही में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालने जेपी नड्डा ने आज जनसभा को संबोधित किया और कहा कि सपा के राज में गुंडे माफिया हावी रहा करते थे, लेकिन योगी सरकार बनते ही प्रदेश में विकास की गंगा बही है। माफियाओं ने या तो प्रदेश छोड़ दिया या फिर सलाखों के पीछे। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, मैंने पहले भी कहा, हम परिवार की पार्टी नहीं है, हम कोई रीजनल पार्टी नहीं है, हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और विचारों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। अगर आपने रमेश बिंद को वोट दिया, अगर आपने रवि किशन को वोट दिया, तो इन दोनों ने मिलकर के मोदी जी का साथ देकर के 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही करके जम्मू कश्मीर को कि 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है जो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान में नहीं है जो मुस्लिम देश है, बांग्लादेश में नहीं है जो मुस्लिम देश है, सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, ये सब मुस्लिम देश है। लेकिन हमारे भारत में 13वीं शताब्दी का काला कानून चल रहा था और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 3 सालों में 3 तलाक की घटनाएं मुस्लिम समुदाय में 80% घट गई है। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कोई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए करती है, निषाद पार्टी करती है।
गरीबों के लिए काम किया लेकिन गरीब गरीब ही रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज चुनाव प्रचार के लिए मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनार विधानसभा क्षेत्र के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। जनसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय अखिलेश भय और भ्रम फैला रहे थे और 10 मार्च के बाद वो सात समुन्दर पार ही जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी टिकट करा ली। सात समुन्दर पार ही पिछले 5 साल थे, आपदा के समय भी जनता को भय और भ्रम फैला रहे थे और 10 मार्च के बाद यही कहेंगे, वही हवा है वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, करना इनको दफा है। 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है और ये जाएंगे भी सात समुन्दर पार ही। इन्होंने 11 तारीख की अपनी टिकट करवा ली है। योगी जी ने पिछले 5 साल देश में रहकर, प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा आपदा के समय भी मदद करके की, जान भी बचाई और राशन भी घर घर पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी ने देश को जो नेतृत्व दिया उसके कारण ही आज वैक्सीन और राशन पूरे देश भर के लोगों को मिला। 3 लाख करोड़ रुपए का राशन पूरे देश भर में दिया गया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लाभार्थी है, 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन मिला। जो मदद की, जिन्होंने सेवा करने का काम किया, जनता उनको ही चुनेगी। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच फंसी महोबा की छात्रा अंशिका सकुशल अपने घर वापस लौट आई हैं। अपनी बेटी के सकुशल वतन वापस लौटने पर मां बाप में खुशी है। घर वापस लौटी छात्रा ने यूक्रेन के हालातों के बारे में बातें बताई हैं कि कैसे उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा और किन हालातों में वो अपने घर वापस लौटी। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जंग अभी जारी है। रूसी सेना यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने में सरकार ने तेजी दिखानी शुरू कर दी और वापस आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। वहीं यूक्रेन में फंसी महोबा की छात्रा अंशिका भी वापस अपने घर लौट आई है। भारत सरकार की तरफ से छात्रा को सकुशल उसके घर महोबा भेजा गया है। बेटी के सकुशल घर आने पर परिजनों में भी खुशी है। बीते फरवरी में जैसे ही हालात खराब होने की जानकारी अंशिका को यूक्रेन में लगी तो उसने अपने परिजनों से घर वापस आने की इच्छा जताई, लेकिन अंशिका बताती है कि फ्लाइट का किराया ज्यादा होने के कारण उसे इंतजार करना पड़ा और अचानक यूक्रेन पर रूस का हमला हो गया। अंशिका ये भी बताती है कि वो उजग्रोत यूनिवर्सिटी में थी, जहां से तकरीबन 240 भारतीय छात्र 5 बसों से हंगरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्हें तकरीबन 9 घंटे तक फंसे रहना पड़ा। उसके बाद भारत सरकार ने फ्लाइट की व्यवस्था की, जिससे सभी लोग दिल्ली पहुंचे और अपने घर आ गए। हम लोग का जो कॉलेज था वो उजग्रोत मेडिकल यूनिवर्सिटी था, उजग्रोत में है। 20 मिनट लगते हैं हंगरी बॉर्डर पहुंचने में, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा दिक्कत तो, मतलब माहौल ही ऐसा था कि थोड़ा डर तो लगता ही है। तो हम लोग वहां से फिर बस से आए और हंगरी बॉर्डर पे 9 घंटे रुके थे उस दिन हम लोग। बहुत चेकिंग हुआ, फिर उसके बाद वहां से बुडापेस्ट एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से दिल्ली। वही परिवार के लोग भी चिंतित थे। अंशिका की माँ बताती है कि वो रोजाना अपनी बेटी से बात किया करती थी और बेटी अपनी माँ को हिम्मत रखने की बात कहकर समझाया करती थी। छात्रा अंशिका की माँ ने भारत सरकार के साहस को और अपील की है कि उनकी ही अभी फंसे छात्र जाए। ये 9 घंटा फंसी रही थी तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी, पता नहीं कब बॉर्डर तक क्या है उनका एसोसिएशन, वहाँ कैसे बमबारी हो रही है तेजी से, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते थे तो बहुत डर लगता था, हमें रोना आने लगता था। सारे बच्चे इंडियन फंसे हैं, बच्चे तो सभी हैं, सभी इंडियन के हैं, लेकिन हमें सबके लिए तकलीफ थी कि मेरी तो चलो आ रही, लेकिन सारे बच्चे सकुशल आ जा और अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद जब भारत सरकार ने अपना ये प्लेन जारी किया आदेश, तब प्लेन गई, तब थोड़ा तसल्ली हुई कि हमारे बच्चे घर वापस आ जाएंगे। आपको बता दें कि महोबा के 6 छात्र यूक्रेन में फंसे थे, जिनमें अंशिका को मिलाकर अभी तक 5 लोगों की वापसी हो गई है। अभी भी पनवाड़ी गांव के ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी का बेटा राज द्विवेदी हंगरी सीमा पर फंसा हुआ है, जिसके वापस आने की राह परिवार देख रहा है।
यूक्रेन में सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई दूसरे देशों के छात्र भी डॉक्टर बनने का सपना लेकर जाते हैं। नाइजीरिया, घाना या थाईलैंड दुनिया के कई देशों के लोग जो अपने बच्चों को वहां डॉक्टर बनाने के लिए मोटी फीस नहीं दे पाते, वे उन्हें यूक्रेन भेजते हैं जिससे उनका सपना पूरा हो सके। महोबा से इजराइल कुरैशी और अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। वहीं रामनगरी अयोध्या में जिलाधिकारी आवास के बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग कई बार तब्दील होने के मामले में एक्शन लिया गया है। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर अजय कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। जिलाधिकारी आवास के मरम्मत के दौरान बाहर लगे साइन बोर्ड का रंग तब्दील करने की प्रारंभिक जांच हुई। पीडब्ल्यूडी ने जूनियर इंजीनियर को दोषी पाया। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी नीतीश कुमार को भेजी गई और उन्होंने जूनियर इंजीनियर को फिलहाल निलंबित कर दिया है। सोचे इस बोर्ड को चार बार कलर किया गया, पहली बार भगवा, फिर उसके बाद हरा और अब लाल। यूपी के चंदौली जिले में विधानसभा चुनाव कराने आए सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आनंद फानंद में सीआरपीएफ और चकिया कोतवाली की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। हालांकि सीआरपीएफ के अफसर इस पूरे मामले में कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। जवान की ओर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या किए जाने के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आत्महत्या का कारण साफ नहीं है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। सीआरपीएफ की अल्फा 08 उड़ीसा बटालियन की कंपनी चकिया कोतवाली के शिकारगंज स्थित एसआरबीएस स्कूल में ठहरी हुई थी। आपको बता दें कि देर रात खाना खाने के बाद सभी जवान बैरक में सो रहे थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। लोग सन्न रह गए। लोग विपिन दास के पास पहुंचे तो उनके सिर से खून निकल रहा था। विपिन को आपको बता दें कि इंसास राइफल और एक खाली बुलेट उनके बगल में गिरी हुई उनसे पाई गई है। जो चकरिया जिस विधानसभा की जो ये इंसिडेंट आपको बताया गया, ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में आती है। फिलहाल कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और जांच प्रकरण अभी भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले बीजेपी सांसद रीता बोगड़ा जोशी के बेटे मयंक ने बीजेपी को झटका दिया। कैसे दिया? भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बोगड़ा जोशी के बेटे मयंक आज समाजवादी पार्टी में शरीक हो गए। आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा, इस बार मैं जानकारी दे रहा हूं कि हाल ही में उन्होंने सपा प्रमुख से मुलाकात करी थी। उन्होंने मंच पर मयंक का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, मैं इनका स्वागत करता हूं। आज रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी भी आज हमारे साथ आ गए हैं। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप, उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बड़ा मनोबल बढ़ने का काम करेगा। तो सातवें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है, जहां पर मतदाता 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 75% सीटों पर कब्जा हासिल किया था, लेकिन इस बार समीकरण और हालात वैसे नहीं है। बहुत कुछ तब्दील हो गया है। ये रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के 10 जिलों में 57 सीटों पर उतरे 676 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब तक के पांच चरण की तरह ही छठे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। छठे फेज में पूर्वांचल के पूर्वी इलाकों की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी, यादव, निषाद, ब्राह्मण और दलित अहम भूमिका में है, तो कुछ जिलों में मुस्लिम भी निर्णायक है। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे चरण की 57 सीटों पर 55.56% मतदान रहा है।
जबकि 2017 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर 56.52% और 2012 में 55.19% वोटिंग हुई थी। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और चुनाव में सातवें चरण की 54 सीटों पर होने वाली वोटिंग काफी अहम है। सातवें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में हैं। सातवें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जिले की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। सातवें चरण की कुल 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थी, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी, 5 पर बसपा और 1-1 सीट निषाद पार्टी और कांग्रेस को हासिल हुई थी। हालांकि इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। छोटा दल सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी रण में है। सातवें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर जीत की आस लगाए हैं। सातवें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जातिगत समीकरण 90 के दशक से हमेशा से प्रभावित रहा है। आखिरी चरण के चुनाव में सपा और बसपा के साथ साथ राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया की परीक्षा होनी है। बीजेपी की नजर सातवें चरण की सीटों पर है। बीजेपी पूर्वांचल के जिलों में माफिया राज के मुद्दे के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्वांचल के जिले खासतौर पर मऊ, गाजीपुर में सातवें चरण में मतदान हो रहा है। तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी माफिया और गुंडागर्दी के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साध रहे हैं, तो विपक्ष ने बीजेपी के 5 सालों के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोजगार और महंगाई पर घेर रहे हैं, तो आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। जनता टीवी के लिए डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट।